हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मैं एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरे पास दही है और ये खीरे हैं और ये मेरे पास जीरा है। तो जीरे को हम भून लेंगे अभी, पहले हम खीरे को कद्दूकस कर लेंगे। तो हम दही को रख लेते एक साइड में और ये जीरे को भी रख लेंगे साइड में और इसको काट लेंगे हम। तो गाइज, इस साइड का भाग तो हम इसी तरीके से काट के थोड़ा सा काट लेंगे और इस साइड का जो हम काटेंगे तो उसको थोड़ा सा इस तरीके से चाकू से इस तरीके से करके ऐसे करने के बाद हम इसको ऐसे करेंगे। जो इसका कड़वापन होगा, इसका जो कड़वापन होता है वो निकल जाता है। तो ये देखिए, ये झाग हो गया, इस पर कितना झाग हो गया है, ये देखिए ये झाग निकल जाता है इसका। इसको हम साइड में रख देंगे और इतने टुकड़े को हम फिर काट के इसके साइड में रख देंगे, फेंक देंगे इसको। ये हमने फेंक लिया है, अब हम दूसरे पीस को भी ऐसे काट लेंगे इस साइड का भी, जो पीछे का पार्ट होता है जहां से हम तोड़ते हैं ना इसको खीरे को, उस साइड का। और इसको फिर इसी तरीके से चाकू से गोद लेंगे इस तरीके से और फिर इससे फिर इसको ऐसे ऐसे करके घुमाएंगे हम इस तरीके से। इसका जो झाग है वो निकल जाता है, ये जो सफेद सफेद सा पानी है ये निकल जाएगा इसका। तो ये देखिए गाइस, ये निकल गया है ना। तो इसको हम साइड में रख लेंगे और इस पीस को काट के फेंक देंगे, साइड में फेंक देंगे। अब इसको हम इसका छिलका निकाल लेंगे, इसका छिलक निकाल लेंगे हम, दोनों खीरों के छिलके को हम बहुत बारीक बारीक निकाल लेंगे। तो दोनों खीरे छिल लेते हैं हम। तो गाइस, हमने ये काट लिए, खीरे छिल लिए हमने, इसका छिलका निकाल के हम साइड में रख देंगे। इसके छिलके को हम फेंक देंगे। और अब हम इसको कद्दूकस कर लेंगे इसमें और इस साइड से करेंगे हम। एक इस इधर से भी कर सकते हैं लेकिन ये छोटे हैं, नरम है, इनको हम करेंगे इस साइड से। तो ये देखिए, इसको इस तरीके से कर लेंगे। ये बारीक साइड से करेंगे, छोटे छोटे हैं ये, इनमें बीज नहीं है इसलिए हम बारीक साइड से कर रहे हैं इसको। अगर जो मोटे कद्दू होते हैं, खीरे मोटे होते हैं तो हम इसको इस साइड से कर लेते हैं क्योंकि उसमें बीज होता है। छोटे छेदों में से बीज निकलता नहीं ठीक से, बड़े छेद में से आराम से निकल जाता कट के। गाइस, हाथ का ध्यान रखना आखिर में। और देखो, हमने सारा कर लिया इसको और इसको भी कर लेंगे हम इसी तरीके से। बहुत नरम खीरा है, बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत नरम है, अंदर बीज बिल्कुल नहीं है इसके। तो ये कर लिया हमने दोनों खीरों को। देखिए, हमने बिल्कुल नहीं छोड़ा इसमें, बिल्कुल सारा कर लिया है। और इसको इस तरीके से कर लेंगे, सारा निकल जाएगा। तो गाइस, ये हो गया खीरा तैयार। अब हम ये फ्राई, छोटा सा फ्राई वो ले लिया हमने, तड़का दानी ले लिया है, इसको हम रखेंगे गैस के ऊपर और गैस को कर लेंगे हम ऑन। गैस ऑन कर लिया हमने, इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। तो इसमें डालेंगे हम ये जीरा डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे क्योंकि हमें खाली इसी में के लिए चाहिए, खीरे में के लिए या दही में के लिए। तो इसको हम इस तरीके से हिला लेंगे, ये भुन जाएगा। जलाना नहीं है इसको ज्यादा, अगर ज्यादा ये ब्राउन सा हो जाएगा ज्यादा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसका स्वाद खराब हो जाएगा। तो इसको हम हल्का हल्का रोस्ट करेंगे। देखिए किस तरीके से बज रही है। तो इसको हम हल्का सा करेंगे रोस्ट। ये देखिए, ये हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, गैस को हमने ऑफ कर दिया। अब हम इसको डाल देंगे इसमें मोम दस्ते के अंदर, इसको हम कूट लेंगे। इसको हम बारीक बारीक कर लेंगे, दरदरा कर लेंगे।
इस तरीके से हमने अच्छे से घोट लिया है इसको, इसको दरदरा कर दिया हमने, तो ये हो गया है दरदरा। इसको रख लेंगे हम साइड में। अब ये हमारे पास दही है और ये हमने खीरे को कद्दूकस कर लिया। अब ये जो दही है, इस दही को हम अच्छे से इस तरीके से कर लेंगे, फेंट लेंगे इसको। इसको हमने फेंट लिया, थोड़ा थोड़ा इस तरीके से खड़ा रहने देंगे दही को। अब इसमें डाल लेंगे हम ये खीरा। ये क्या बन रहा है गाइस? ये बन रहा है खीरे का रायता, आपको पता ही होगा। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हैं ये मुझे पता नहीं है। तो इसको हमने इस तरीके से मिला लिया। ये देखो खीरे का रायता बहुत स्वाद होता है ये। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, इसमें हम बहुत कम डालेंगे नमक को, थोड़ा सा नमक डाल दिया हमने इसमें। थोड़ा सा नमक डालने के बाद जो हमने, तो ये जो हमने जीरे को रोस्ट करके इसको हमने कूट लिया था, तो इसको डाल देंगे इसके ऊपर, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। इस तरीके से ये डाल दिया हमने और इसको अभी हम फेंटेंगे नहीं, जब हम इसे खाएंगे उस टाइम पर हम इसको फेंटेंगे। तो नमक और ये जो जीरा हमने डाला हुआ है ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी है तो सब्सक्राइब कर देना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलना। बहुत आसान तरीका है, कोई भी बना सकता है घर में, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत आराम से बना सकते हैं। तो इसको मैं फेंट इसलिए नहीं रही हूँ कि इसका कलर चेंज हो जाता है, फिर जब हम इसे खाएंगे उस टाइम पर हम इसको फेंटेंगे। तो गाइज थैंक यू।